वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चावल की बोरी का यूज करेंगे और बहुत ही काम आने वाला सामान बनाकर तैयार करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इसे बनाना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पुरानी पैंट ली है जिसकी सिलाई निकाल ली थी, और सिलाई निकालने के बाद में हमने इसमें दो ज्वाइंट दिए हैं, एक इधर और एक इधर। इतना कपड़ा हमारा निकल कर आया है। मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ। इसकी लेंथ निकली है 28 इंच और विड्थ 24 इंच। इतना हमारा कपड़ा निकला है। बीच में लगाने के लिए हम चावल की बोरी का यूज करेंगे और नीचे इनर के लिए पुरानी बेड शीट का। तो तीनों को हमने बराबर का कट कर लिया है। कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे और चारों साइड में हमें सिलाई लगानी है। इसके सिलने के बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला था इधर उधर, उसे हमने कट करके निकाल दिया है। अब हमें एक कोना लेना है और इधर हमें तिरछी लाइनें खींचनी है जिधर हमें सिलाई लगानी है। चाहे तो इंच टेप या स्केल से भी खींच सकते हैं ताकि आसानी हो। इस तरह से 2 इंच पर निशान लगाते हुए सीधी लाइन खींच सकते हैं और इन्हीं निशानों के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो मैं तो वैसे ही लगाने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से लाइन खींच सकते हैं और इनके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी खींच लेंगे, लेकिन उधर हमें तिरछी खींचनी है। इधर हमने इस तरह से खींची है और दूसरी साइड हमें अपोजिट साइड इस तरह से। तो इधर हमने इस तरह से खींची थी और इधर वाली साइड हमने इस तरह से खींची है। तो ये हमारे बॉक्स टाइप में बनकर तैयार हुए हैं। पूरे कपड़े पर हमने ये खाने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो ये वाली हमारी ज़्यादा वाली साइड है 28 इंच वाली, और जो हमारी कम वाली साइड है 24 इंच वाली, ये वाली। इधर हमें चैन को सीलना है पूरे पर। तो इस तरह से चैन को रखेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद में अंदर की साइड कपड़े को दबाना है इस तरह से, और एक सिलाई ऊपर की साइड और लगानी है। अब दूसरे वाला पार्ट उठाएंगे और जो चैन का दूसरा वाला पार्ट है उसमें इसे सील देंगे, और सीलने के बाद फिर से एक सिलाई और लगा देंगे। अब एक्स्ट्रा जो चैन है उसे कट करके निकाल देते हैं। अब हमें चैन को बीचों बीच से पकड़ना है ताकि हमारा कपड़े का सेंटर निकल कर आए, और एक कपड़े पर निशान लगाना है बीचों बीच इस तरह से। दूसरी साइड भी इसी तरह से चैन को पकड़ना है और फिर कपड़े पर एक निशान लगा लेना है। ये हमारा बीचों बीच सेंटर वाला निशान है कपड़े का। अब इसे इस तरह से खोलना है और जहां हमने निशान लगाया है उसे हमें चैन के ऊपर रखना है इस तरह से। अच्छे से कपड़े को सेट कर लेना है, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे इस तरह से। डबल सिलाई लगा देंगे इधर की साइड भी और दूसरी साइड भी। इसी तरह से सेट करना है कपड़े को, चैन के ऊपर निशान वाला पार्ट रखना है और इधर भी सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद में हमें चारों कोनों पर एक बॉक्स जैसे और बनाने हैं, जिसकी लेंथ और विड्थ हम 2.5 इंच लेंगे। चारों हमें बराबर के निशान लगाने हैं। अगर बड़ा बैग बनाना है तो हम इसकी लेंथ ज़्यादा भी ले सकते हैं, 3 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैं छोटा ही बैग बना रही हूँ नॉर्मल, तो इसलिए मैंने इसकी लंबाई और चौड़ाई 2.5 इंच ही ली है। तो चारों हमने खाने बनाकर तैयार कर लिए हैं इस तरह से। अगर कम ज़्यादा कपड़ा रहेगा तो हमें सीलने में दिक्कत आएगी, इसलिए ये बराबर की होने चाहिए चारों। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं चारों की।
चारों खाने हमने कट कर लिए हैं इस तरह से। अब इन्हें खोलना है और कोने से कोना मिलाना है। कपड़े को अच्छे से सेट करना है, जो सिलाई वाला है इस तरह से दबा लेंगे इसे और एक एक सिलाई इधर लगा लेंगे कोने से कोने तक। इस वाले को भी, चारों जो हमने कट किए थे कोने, उन्हें चारों को इसी तरह से सील कर तैयार कर लेंगे। तो ये हमारे बराबर के कपड़े आए हैं सिलकर बिल्कुल, क्योंकि हमने लेंथ और विड्थ हमने बराबर की ली थी, इसीलिए तो हमारा कम ज़्यादा कपड़ा बिल्कुल नहीं है। ये हमने दो पट्टी ली है, इनकी लेंथ कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इस तरह से फोल्ड करने के बाद में दोनों साइड में एक एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो ये मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ, ये बिल्कुल बॉक्स जैसा बनकर तैयार होगा बैग हमारा, बहुत ही प्यारा सा। जो इनके कोने हैं उन्हें अच्छे से निकाल लेंगे बाहर की साइड में, अंदर की तरफ दब जाते हैं तो इन्हें पेन से भी हम निकाल सकते हैं। अब हमें इस तरह से कोना पकड़ना है, चाहे तो हम प्रेस भी कर सकते हैं ताकि ये सीधी लाइन खिंच जाए, क्योंकि हमें इधर सिलाई लगानी है दोनों साइड में। इधर भी कोना निकाल लेते हैं बाहर की साइड में और इधर भी सेट कर लेते हैं कपड़े को, चाहे तो हाथ से भी दबा कर सकते हैं और इधर भी सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड में हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हमें इसमें पट्टी को सीलना है, तो पट्टी के लिए हमें पहले निशान लगाना पड़ेगा। तो पहले बैग का सेंटर निकाल लेते हैं हम, पहले नापते हैं इसे, ये है 17 इंच, तो इसका हाफ 8.5 इंच, इधर हम निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा बीचों बीच है बैग का। पहले कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरह से, ताकि हमें पता चले कि हमें पट्टी को कहां से कहां तक अटैच करना है। तो निशान लगा लेते हैं 8.5 इंच पर और इसी निशान से इधर की साइड 3 इंच और इधर की साइड भी 3 इंच, दोनों साइड में हमने 3-3 इंच, तो हमारा ये निशान लग गया है 6 इंच का। और इधर तक हमें पट्टी को अटैच करना है, तो लाइन को सीधा खींच लेंगे इधर से इधर भी। इधर हमें पॉकेट लगानी है, तो पॉकेट हमें ये पट्टी है जो इसके बीचों बीच रखनी है इस तरह से। पहले इसमें चेन लगा लेते हैं पॉकेट में, चेन लगाने के बाद में हमें इधर पॉकेट लगानी है जहां हमने निशान लगाया उसके बीचों बीच, लेकिन इस तरह से हमें जोड़नी है ताकि हम इसे पलटे तो ये हमारी सीधी साइड आए और जो सिलाई है वो हमारी अंदर की तरफ आ जाए। इस तरह से हमें पॉकेट को सीलना है। अब इस पॉकेट को दबाते हुए हम पट्टी को सीलेंगे दोनों साइड में। तो हमें पॉकेट कहां तक रखनी है, जहां तक हमने ये निशान लगाया था। पहले डार्क कर लेते हैं, इनके ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देंगे या फिर हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब इधर हमें पट्टी लगानी है, तो हाफ इंच जो पॉकेट का कपड़ा है उसे दबाते हुए इस तरह से अंदर की तरफ हाफ इंच फोल्ड करेंगे और हाफ इंच ही हम पॉकेट वाला कपड़ा दबाते हुए इसी तरह से दूसरी साइड से। तो पट्टी पर हम डबल डबल सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड में और नीचे की साइड से पॉकेट को भी सील देंगे इधर से इधर तक। तो दूसरी साइड भी हमने सील कर तैयार कर ली है और ये हमारा प्यारा सा बैग बनकर तैयार है। तो ये हमारी पॉकेट है
तो इस तरह से हम वेस्ट सामान से भी काम आने वाला सामान बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने एक चावल की बोरी से बैग बनाकर तैयार किया है, प्यारा सा, बहुत ही काम आने वाला है। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।